नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कोरोना जैसे महामारी के दौर में भी जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को जेब ढीली करने का आमादा है। इसका विरोध शुक्रवार को चितरंजन सेंट जोसेफ कन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पर अभिभावकों ने किया। 23 तारीख के दिन यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने एक SMS लिखा और सभी गार्जियंस के मोबाइल पर भेजा है कि जिन जिन लोगों ने अपना फी बुक कलेक्ट नहीं किया है या फी नहीं दिया है, वो तत्काल आकर के अपना फी बुक कलेक्ट करें और फी की पेमेंट करें। तो कल 25 तारीख का डेट उन्होंने दिया था। तो कल यहाँ मेन गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे है, यहाँ से लेकर एक नंबर गेट जहाँ वो फाटक है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ था और कितने गार्जियन ऐसे थे जो दो दो घंटे लाइन में खड़े रहे तब जाकर के फी बुक उन्होंने कलेक्ट किया। दूसरा, मेरे पास फी बुक है, मैं आपको फी बुक दिखाता हूँ। इस फी बुक के सबसे पहले पन्ने पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए। मेंटेनेंस फी, अभी स्कूल बंद है, आप सभी को पता है देश में लॉकडाउन है, स्कूल बंद है। लाइब्रेरी का फी मांग रहे हैं ये, जबकि बच्चा लाइब्रेरी में जा नहीं रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स फी मांग रहे हैं, जबकि कोई बच्चा खेल नहीं रहा, घर में बंद है, सारे बच्चे परेशान है। इलेक्ट्रिसिटी फी मांग रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं और इनको इलेक्ट्रिसिटी फी की जरूरत है। को करिकुलर एक्टिविटी फी चाहिए इनको। एग्जामिनेशन फी, जबकि यहाँ पढ़ाई का पता ही नहीं है, एग्जामिनेशन फी पहले मांग रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फी मांग रहे हैं ये, किस चीज़ का रिपेयर और मेंटेनेंस कर रहे हैं। एक्टिविटी फी, डेवलपमेंट फी, आईडी कार्ड और SMS चार्जेस मांग रहे हैं हमसे। आईडी कार्ड मिला नहीं है, डायरी मिला नहीं है। स्कूल ऐप की जिसकी ये बात करते हैं, ये जूम ऐप से पढ़ाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फ्री है। ये डोजो ऐप से पढ़ाते हैं जो वर्ल्ड वाइड फ्री है। अभी जिस सिस्को ऐप की ये बात कर रहे हैं, वो भी अमेरिकन डेल सिस्टम्स का है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसमें से किसी ऐप में इनके पास कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरा, इन ऐप्स की सबसे बड़ी खामी ये है कि इन ऐप्स के अंदर एक कैप लॉक होता है। कैप लॉक का मतलब एक बार में आप 100 से ज्यादा लोग मीटिंग नहीं कर सकते। इनके पास हर एक क्लास में तीन तीन चार चार सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में 60, किसी में 70, किसी में 80, इस तरह से बच्चे हैं। 100 बच्चे एक बार अगर उसमें लॉगिन कर ले तो जो बाकी के 100-150 बच्चे बचेंगे वो उसमें लॉगिन ही नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको सुबह 6 बजे से जैसे हम राशन की लाइन में लगते हैं, वैसे सुबह से गार्जियन को तैयार होना पड़ेगा कि हम बच्चे को लॉगिन करके बैठें ताकि उसका नंबर आ जाए और उसको पढ़ाई मिले। वो भी कैसी पढ़ाई जिसमें न टीचर की शक्ल नजर आती है, न उसकी आवाज सुनाई देती है, वो बोर्ड पर क्या लिख रहा है वो उसको सुनाई नहीं देता है। और गलती से अगर बच्चा पूछ ले कि सर आपने क्या लिखा है मुझे नहीं, तो टीचर जो है वो चिढ़ करके क्या करता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। और ये रिटर्न में दिया है उन्होंने अपनी वेबसाइट में रिटर्न में लिखा है कि अगर कोई बच्चा बोलेगा तो हम उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसको दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। ये उनकी वेबसाइट पर मेंशन है, अभी भी कोई चाहे तो वेबसाइट खोले और खोल के देख सकता है। पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। शुरू में इन्होंने 3-4-5 चैप्टर्स के एक साथ क्वेश्चन आंसर्स लिख करके दे दिए, बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर उतार रहे हैं। उन्हें ना वर्ड मीनिंग पता है, ना कोई समझाने वाला मिला, किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिस तो हो नहीं रहा है। दूसरी चीज है, जब इस लॉकडाउन में आपको पता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, उनको घर से बाहर जाने का परमिशन नहीं है, वो खेल नहीं पा रहे हैं, इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। वो जो करिकुलम है इनका, वो करिकुलम इनको कम करना चाहिए। अगर आपके पास उतना समर्थ नहीं है पढ़ाने का, तो जो अननेसेसरी चैप्टर्स हैं उनको आप कम कीजिए। मैथ्स और साइंस अगर आपको लगता है जरूरी है उसको पूरा पढ़ाइए, लेकिन ड्राइंग कराना, SUPW के आर्ट्स देना, इसके अलावा हैंडराइटिंग के मार्क्स देना, मतलब ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सबसे बड़ी चीज इसके अलावा जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये स्कूल का जो स्टाफ है, जो खास करके टीचर्स हैं यहाँ पे, वो टीचर्स बच्चों के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कभी जिंदगी में ऑनलाइन कभी गए नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की इन्होंने, उन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने का कोई मतलब पैदा नहीं होता, सीधी सी बात है। ऊपर से जो टीचर्स हैं वो टीचर्स सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं। अगर आप सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, अगर किसी वेबसाइट पर जाइएगा www.sjoseph.conventcrj जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाते हैं, उस पर सारे वीडियोस हैं। अगर आप बोल के पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से टीचर्स पढ़ करके और पूरा चैप्टर कंप्लीट, और वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा रहे हैं। लेकिन क्या बच्चे मुक्त हो जाएंगे, उनको देगा। और उतना ही नहीं, चूंकि इतना सारा करिकुलम मिल रहा है तो हम पेरेंट्स भी कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालने में कि तुमको ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये दिया हुआ है। डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो ये है, जो ऑनलाइन पढ़ाने का ये शिक्षा जो है इसको सुधारा जाए। जो सेक्शन वाइज पहले क्लास में पढ़ाई होती थी, सेक्शन वाइज पढ़ाएं, और एक बार में 20 या 25 से ज्यादा बच्चों को किसी क्लासरूम में एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चे को कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए। नंबर वाइज टाइमिंग दे दीजिए, बिल्कुल आप अलग अलग रोस्टर बनाइए, अलग अलग क्लास टाइमिंग में पढ़ाइए। एक तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड बात। दूसरी चीज है, चूंकि इस वक्त पैंडेमिक है, पैंडेमिक में लोगों की आय का कोई स्रोत नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो लोग ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं,
जिनका की जो है सो कोई इनकम का सोर्स, रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कोई रेकरिंग इनकम नहीं है, किसी को किराया नहीं आता है कि बैठ करके और खाना है सिर्फ, यहाँ पर कोई पेंशन नहीं मिल रहा है सरकार से, तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट आपको जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है, जब तक उनकी आय का सोर्स दोबारा से चालू नहीं हो जाता है, तब तक उन लोगों को फीस में छूट दीजिए। ये हम लोगों की आपसे गुजारिश है। और बिल्कुल वही चीज है कि हम लोग फीस ना देना पड़े, इतना हम लोगों को कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जिस स्कूल के सामने हम खड़े हैं, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, ये हजारों करोड़ की एंटिटी है। ये कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि इसमें 10 लोग काम करते हैं और किसी बनिए का स्कूल है। हजारों के सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि 5 साल भी अगर पैंडेमिक रहे तो ये लोग बिठा कर टीचर्स को खिला सकते हैं। और यहाँ पे ये CBSE स्टाइल में BA टीचर्स को नहीं लेते हैं, यहाँ पे किसी टीचर की तनख्वाह 5,000 है तो किसी की 6,000 है, ऐसे टीचर्स की ऐसे बिल्कुल सही बात, किसी की 2,000 भी है। तो ऐसे टीचर्स से आप पढ़ा रहे हैं, और अगर उसका क्यूमुलेटिव अगर आपके पास कोई एक्सपेंस आ भी रहा है तो उस एक्सपेंस को वहन करने के लिए सेंट जोसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से सक्षम है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, चूंकि ये स्कूल CLW के प्रीमाइसेस में आता है, रेलवे इसकी गार्जियन है, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसकी बिल्डिंग फीस ये मांगते हैं, इस बिल्डिंग का भी लीज जो है इनको 0 लगता है, क्योंकि यहाँ पे CLW इनको देती है। तो अगर आपको CLW से इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो कृपया हमें, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आर्थिक मदद की इतनी जरूरत है तो आप CLW के PRO से बात कीजिए, रेलवे से बात कीजिए। रेलवे इतना बहुत अच्छा काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, सब लोगों को जब इतना सारा रिबेट दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो आपके लोगों की तनख्वाह भी दे सकती है बड़े आराम से, आप उनसे कीजिए। लेकिन जो गार्जियन अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अगर उन गार्जियंस को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं मिल पाएगा बच्चों को इस पेंडेमिक में, एक तो पेंडेमिक की मार है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई भी नुकसान हो रही है, ऐसे गार्जियंस को आप परेशान ना करें, यही हमारी बस मांग है।